क्लास सेवन्थ को आज मैं पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर। क्लास सेवन्थ के सभी बच्चे अपने बैग से हिंदी रीडर की बुक निकालिए तथा आज मैं आपको हिंदी रीडर में पढ़ाऊंगी चैप्टर नाइन की रीडिंग हो चुकी थी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 61 निकालिए। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक और बालिका कहाँ खेल रहे थे? तो चैप्टर में आपने रीडिंग में पढ़ा बालक और बालिका गंगा के निर्जन बलुका स्थल पर खेल रहे थे। बालक और बालिका गंगा के निर्जन बलुका स्थल पर खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक और बालिका कैसे खेल रहे थे? बालक और बालिका कैसे खेल रहे थे? तो बालक और बालिका अपने को और सारे विश्व को भूलकर गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उससे खेल रहे थे। एक बार फिर से देखिए, बालक और बालिका अपने को और सारे विश्व को भूलकर गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खेल रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बालक और बालिका का नाम बे उम्र बताओ। इस क्वेश्चन में आपको बालक और बालिका का नाम बे उनकी उम्र बतानी है। तो इसका आंसर है, बालक का नाम मनोहर जिसकी उम्र 9 साल तथा बालिका का नाम सुर्रो रानी था जिसकी उम्र 7 साल थी। जिसकी उम्र कितनी थी? 7 साल थी। अब है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फोर वाला छोड़ देना आप, 5 ये सिद्ध करके देखना है। गति व गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सिद्ध करके देखिए। तो गति, अब है 5, लेखक की नज़र में हम में से कोई एक पाठक होता तो भार टूटने पर लड़की को क्या शिक्षा देता? प्रश्न लिखिए पहले, लेखक की नज़र में हम में से कोई पाठक होता तो भार टूटने पर लड़की को क्या शिक्षा देता? इसका आंसर है, पेज नंबर 58 पर दूसरा पहरा है, हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है, इसमें शोक और उदेक की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, वह आप यहीं तक करेंगे, उसे उसी में लय हो जाना है, इसमें शोक और उदेक की क्या बात है। फर्स्ट का आंसर है, ये देखिए फर्स्ट का नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है 5 का आंसर। 5 का आंसर देखिए 58 पेज पर, हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो इसका यहाँ से यहाँ तक, शोक और उदेक की क्या बात है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर, जब मनोहर ने भाड़ बनाया तब सुरवाला ने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जब मनोहर ने भाड़ बनाया तब सुरवाला ने क्या किया? तो क्या किया था, इसका आंसर है, जब मनोहर ने भाड़ बनाया
तब सुरबाला ने सुरबाला ने 1 लात मारकर भार के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला ने 1 लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया देखिए शिक्षिका आंसर, जब मनोहर ने भाड़ बनाया तब सुरवाला ने 1 लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया, यही किया था ना बच्चों। अब एक गति वे गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सिद्ध करके देखें। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये रह गया था आपका गति। गति किसको कहते हैं? जब हम एक स्थान से, इसका आंसर है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो वह चाल या गति कहलाती है। और गुरुत्वाकर्षण जब हम ऊपर को कोई गेंद या कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह वापस नीचे को ही आती है। तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे को ही वापस आती है, ऐसे करके लिखना। जब हम ऊपर को कोई गेंद या कोई वस्तु फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वापस नीचे को ही आती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे को ही वापस आती है, ये आपके क्वेश्चन। अब है रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है आपका, बालिका अपने एक पैर रेत जमा कर और इसमें आएगा थोप थोप का एक भार बना रही थी, थोप थोप भरिए पहले में। दूसरा है रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग सा आ खड़ा हुआ था। थर्ड है आपका, तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं, तो इसमें है परमात्मा, थर्ड में आएगा परमात्मा। फोर है कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस कर भरिए, निचोड़े डाल रहा है, इसमें महसूस कर भरना है आपको। फाइव है सुरबाला, फाइव में आएगा आपका सुरबाला, रानी हंसी से नाच उठी, फाइव में सुरबाला भरिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।